नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम होते जो हम सरकार। गली मोहल्ले से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र अपनी उसी और बेरोजगारी के दलदल से बच नहीं पाता और सरकार ध्यान नहीं देती। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। मैं पिछले लगभग 28 साल से पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। इतने इस अंतराल में मैं अनेक संस्थानों में पदाधिकारी रहा हूँ। वर्तमान में इंडियन फेडरेशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर का ट्रेजरार हूँ और राष्ट्रीय मिशन नामक समाचार पत्र का संपादन कर रहा हूँ। जैसा कि आपका सवाल है कि अगर हम होते सरकार में तो क्या करते हैं? मैं अगर सरकार में होता तो सबसे पहले जनतंत्र को मजबूत करता, और जनतंत्र मजबूत होता तो लोकतंत्र मजबूत होता, और किसी भी देश का अगर लोकतंत्र मजबूत होता है तो समझ लीजिए कि देश का विकास निश्चित है। जनतंत्र जिसके एक पहलू है मीडिया। हम लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों से जुड़े हुए हैं जो जिनका सामना वाकई सच्चाई से होता है। वो सच लिखते हैं, सक्षम होते हैं, और बस उनकी एक प्रॉब्लम ये होती है कि आर्थिक स्थिति उनकी ठीक नहीं होती है, जिसके लिए वो सरकार पर निर्भर होते हैं। इसलिए जो होता है कि वो अपना प्रकाशन ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं, तो उनकी उनको मजबूत करने के लिए जो भी हमसे बनता वो हम सरकार में रहते हुए ज़रूर करते। और जब मीडिया मजबूत होता तो वाकई जनतंत्र मजबूत होता, इसमें कोई दो राय। मेरा नाम श्याम सुंदर है और मैं एक वेब चैनल आपकी न्यूज़ के नाम से चलाता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे रजनीकांत तिवारी जी ने अपने स्टूडियो में बुलाकर आज होते जो हम सरकार में भाग लेने का मौका दिया, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने इनका एक कार्यक्रम देखा जिसमें हमारे एक मित्र थे जो अपना इंटरव्यू दे रहे थे। तो मैंने सोचा कि पता नहीं मुझे भी इसमें भाग लेने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि ये मौका मुझे बहुत जल्द मिल गया। अब सवाल है कि यदि होते हम सरकार तो हम क्या करते? लघु व मध्यम समाचार पत्र ही एक ऐसे समाचार पत्र हैं जो गली कूचों में प्रत्येक व्यक्ति की, एक आम आदमी की बात पहुंचाते हैं, क्योंकि आम आदमी अपनी बात बड़े अखबारों के माध्यम से जनता तक नहीं पहुंच पाता। और ये जो बड़े समाचार पत्र हैं ये गली कूचों में झुग्गी झोपड़ों तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। इसलिए यदि हम होते सरकार तो मैं लघु व मध्यम समाचार पत्रों के लिए कई पॉलिसियाँ बनाता जिसके अंदर आर्थिक समाचार लघु समाचार पत्रों के लिए आर्थिक मदद की व्यवस्था होती, जिसके अंदर उन्हें प्रति माह कम से कम 2 या 3 विज्ञापन जरूर मिलते, उनके बच्चों की शिक्षा एकदम निःशुल्क होती, उनकी फैमिली के लिए चिकित्सा एकदम फ्री होती और उनके रहने के लिए कम से कम एक छोटा सा मकान सरकार की तरफ से ज़रूर दिया जाता। सर्वप्रथम तो मैं श्री रजनीकांत तिवारी जी को बधाई देता हूं कि इस नेशनल थॉट नामक उन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया जिसमें होते हम सरकार से लोगों की प्रतिक्रियाओं के बारे में जानकारी मिलती है। मैं अशोक कौशिक दैनिक हिंद आत्मा नामक समाचार पत्र का प्रकाशन करता हूं और पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए लगभग मुझे भी 25 वर्ष हो चुके हैं और विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं पत्रकारिता क्षेत्र के संगठनों से जुड़ा रहता हूं। होते हम जो सरकार में लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों के बारे में जो कठिनाइयां हैं और जो भ्रष्टाचार मीडिया में भी आ चुका है, उसमें मुख्य कारण ये है कि जो बड़े समाचार पत्र हैं वो तो इन छोटे क्षेत्रों की समस्याओं को उजागर नहीं कर पाते और लघु एवं मध्यम समाचार पत्र छोटे लोगों की समस्याओं को जागृत करता है, जिसका असर सीधे सरकार पर पड़ता है और सरकार उन सब चीज़ों को देखना नहीं चाहती। इसलिए अगर हम सरकार में होते तो इन सब चीज़ों को देखते हुए उन पर ज़रूर प्रकाश डालते और उनका निराकरण कराते।